जय हिंद दोस्तों। कानून जो है वो हमेशा समाज की परिस्थिति को देखते हुए बनाया जाता है। जैसे जब आईपीसी बना था इंडियन पिनल कोड, तो उस समय कोई डिजिटल फॉर्म की क्राइम नहीं थी, तो इसलिए आईपीसी के शुरुआती दौर में जब शुरुआत में लॉर्ड मैकले ने ड्राफ्ट किया था, तो उस समय उन्होंने किसी भी तरह का डिजिटल क्राइम के बारे में जिक्र नहीं किया था। इसी तरीके से कई ऐसे अपराध थे जो कि जिक्र उस समय नहीं किए गए थे, लेकिन समय के बढ़ते बढ़ते समय के बदलते बदलते जो है ये देखा जाता है कि अलग अलग क्राइम जो है वो समाज में देखने को अभी जो है मिलती हैं, जिसमें मैरिटल रेप का भी जो जो प्रावधान है वो हमारे आईपीसी के अंदर दिया तो गया है, लेकिन किस भाषा में दिया गया है और कौन सा सेक्शन डील करता है, और साथ ही जो बीएनएस है, बीएनएस के अंदर जो नई वाली भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर कौन सी सेक्शन डील करती है मैरिटल रेप से, और क्या है मैरिटल रेप, आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग ये ऋषिकेश साहू बनाम भारत संघ और अन्य का जो मामला है, इसको हम लोग आज इसको भी देखेंगे, क्योंकि ये काफी चर्चा में है कि क्या मैरिटल रेप को जो है भारत के अंदर आपराधिक घोषित करना चाहिए, अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, इसको जो है आज हम समझने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और टेक्स्ट बुक जुडिशरी में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चीज देखिए कि जो अपराध, जैसा मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो है इसके ऊपर कुछ बातें कही हैं मैरिटल रेप के ऊपर, क्योंकि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है पीआईएल के जरिए, और कई जगह पे कई कोर्टों में जो है इस तरह के मामले चल रहे हैं। कर्नाटक कोर्ट में भी चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी मामला चल रहा है, उसी सब मामलों को जो है देखते हुए अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कुछ बातें बोली गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुनवाई जो हुई है इसमें क्या जो है अपडेट है, आज हम इसको भी देखते हैं। साथ में ये भी देखेंगे कि देश दुनिया में जो है मैरिटल रेप के ऊपर जो है कौन से कानून हैं और कौन कौन से देश जो है इसको अपना के रखे हुए हैं। खैर, सबसे पहली चीज, जो लोग भी मैरिटल रेप के बारे में नहीं जानते हैं, समझ लिए मैरिटल रेप का जो हिंदी मीनिंग है वो वैवाहिक दुष्कर्म है। वैवाहिक दुष्कर्म, वैवाहिक दुष्कर्म किसे कहते हैं? पति की, यानी कि जो पत्नी की जो सहमति के बिना अगर पति शारीरिक संबंध जो है वो बनाता है वैवाहिक जो स्थिति में, यानी कि एक लड़का लड़की जब दोनों शादी कर चुके हैं और शादी करने के बाद जो है दोनों एक साथ रह रहे हैं, उस व्यवस्था में अगर जो लड़का है वो लड़की के बिना पूछे हुए जो शारीरिक संबंध अगर बनाता है, तो उसको जो है वैवाहिक जो है दुष्कर्म के कहा जाएगा। इसके साथ भारत समेत 34 देश हैं जिसमें वैवाहिक दुष्कर्म अपराध नहीं है, यानी कि भारत में अभी तक जो है वैवाहिक दुष्कर्म यानी कि मैरिटल रेप जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। दूसरी चीज है कि दुनिया के 76 देश हैं अभी दुनिया में जो वैवाहिक दुष्कर्म यानी कि मैरिटल रेप को जो है वो अपराध की श्रेणी में जो है स्पष्ट कानून इसके ऊपर बनाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, और जो ऋषिकेश साहू बनाम भारत संघ और अदर्स का जो मामला है, तो इसको क्या कहता है जो सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले चीज हम देखते हैं कि खबर क्या आ रहा है। खबर देखिए ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के द्वारा जो है हलफनामा दायर किया गया है इसी मामले के अंदर, इस केस के अंदर, और उस हलफनामे में जो है कुछ बातें कही गई हैं सरकार के तरफ से। सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने अपनी जो बातें रखी है उसी बातों को आज हम देखते हैं। इसमें न्यूज में यह है कि मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की याचिका पर जो है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो है दाखिला दायर किया है, और इसमें केंद्र सरकार ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग को जो है करने वाली याचिका, जितनी भी याचिकाएं थी जो पीएल है जो ये कह रही है कि मैरिटल रेप को जो है वो अपराध घोषित होनी चाहिए, अपराध की श्रेणी में आने चाहिए, उसके खिलाफ जो है जो केंद्र सरकार है उन्होंने जो हलफनामा जाहिर किया है जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, और कहा है कि मैरिटल रेप को जो है अपराध बनाने की जरूरत नहीं है। ये बात जो है केंद्र सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है हलफनामे में कहा है। अब देखिए, अब समझते हैं कि कुछ कानून क्या क्या कानून कौन कौन से कानून बात करते हैं। तो पहले हम आईपीसी की बात करते हैं। अगर आईपीसी के अंदर हम देखें जो आईपीसी है, देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं आखिर आईपीसी भी क्यों बोल रहा हूं। देखिए अभी भले ही बीएनएस लागू हो चुका है, भारतीय न्यायिक संहिता लागू हो चुका है, नए नए कानून जो लागू हुए, लेकिन अभी पुराने कानून को रद्द भी नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि आईपीसी को रद्द कर दिया गया, रद्द भी नहीं किया गया, दोनों ही कानून लागू है। भारत सरकार जब भी जो है ऐसा करेगी, आगे चलकर नोटिफिकेशन लाती है, तो फिर रद्द होगी, लेकिन अभी जो है
ऑर्डिनेंस और आईपीसी दोनों लागू है, ठीक है। लेकिन नए जो मामले अभी दर्ज हो रहे हैं, जो नए अपराध जो हो रहे हैं, वो अब बीएनएस के अंदर ही जो है उसके ऊपर जो है दर्ज किया जा रहा है, सेक्शन लगाया जा रहा है। देखिए तो जो आईपीसी के अंदर अगर आप देखें तो जैसा मैंने बताया कि आईपीसी की धारा 375 जो है वो जो बात करती है, सेक्शन 375 जो आईपीसी की, वो रेप को डिफाइन करता है। तो जब आप देखेंगे तो उसमें जो रेप को अपराध माना गया और उसी 375 का जो सेक्शन है उसके अंदर जो है आप एक्सेप्शंस को देखेंगे, उसी के एक्सेप्शन नंबर 2 है। एक्सेप्शन नंबर जो 2 है वो जो है उसी के अनुसार मैरिटल को रेप को जो है अपराध नहीं माना गया है, ठीक है। ये यहाँ पे 375 के एक्सेप्शन नंबर 2 में मेंशन किया गया है। और भारत में पति का पत्नी की सहमति के बिना उसे सेक्स करना जो है अपराध नहीं है। अब देखिए दूसरी चीज ये है, अब इसको ये समझना चाहिए, देखिए इसमें कुछ क्लॉज कौन सी चीज अपराध की श्रेणी में आएगी, तो एज क्राइटेरिया की बात कर दी गई है। अब एज क्राइटेरिया में देखिए सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ दी वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 इयर्स ऑफ एज इज नॉट ए क्राइम नॉट ए रेप। यानी कि इसमें सिंपल सा बात कहा गया, अगर 15 साल से नीचे है और उसकी वाइफ है वो 15 साल से नीचे है तो उसकी वाइफ होने के बावजूद भी उसको रेप माना जाएगा, लेकिन 15 साल से ऊपर का है तो उसको जो है रेप नहीं माना जाएगा। ये जो है क्लॉज सेक्शन जो आपका एक्सेप्शन 2 है इसमें ये बात जो है वो बोली गई है, ठीक है, इसमें ये बात जो है वो बोली गई है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इसी अपवाद को जो है चुनौती दी गई है, यानी कि ये जो आपका सेक्शन जो आपका ये सेक्शन 375 का जो एक्सेप्शन नंबर 2 है इसी को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसी को चैलेंज करके जो है इसी को अपराध की श्रेणी में लाने की बात की गई है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं अब क्या है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को जो है 4 तारीख को बलात्कार कानून को में जो है वैवाहिक बलात्कार के अपवाद का इस आधार पर बचाव किया कि इसे हटाने से जो वैवाहिक संस्था है वो नष्ट हो जाएगी, और खबर यह भी है कि साथ ही उसने अदालत में इसे अपवाद को जो है बरकरार रखने के लिए भी बात किया है और तर्क दिया गया है कि सांसद है यानी जो पार्लियामेंट है वो जो है इसके ऊपर कानून बनाएगी और इसके ऊपर कानून जो है काफी सोच विचार करके जो है वो बनाया जाएगा, विधायिका इसको बनाएगी, जुडिशरी को इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इसमें यह भी बोला गया कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके समक्ष जो हलफनामा है उसमें जो है सरकार ने जोर देकर कहा है कि हालांकि पति जो है पति को अपनी पत्नी की सहमति का उल्लंघन तो नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का आप उल्लंघन नहीं कर सकते, उसकी राइट है यानी कि उसकी फ्रीडम है, उसकी प्राइवेसी, हर चीज का जो है किसी व्यक्ति का जो उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार का उल्लंघन, लेकिन वैवाहिक संबंध में सरकार कहती है अपने हलफनामे में कि वैवाहिक संबंध में बलात्कार के कड़े जो है दंडात्मक प्रावधानों को लागू करना और अत्यधिक कठोर और अनुपातहीन जो है होगा, यानी कि अगर इस तरह कानून बनाया जाएगा तो काफी ज्यादा कठोर हो जाएगा और इसके अलावा भारत में विवाह संस्था पर भी जो है दूरगामी जो है प्रभाव डालेगी। देखिए बहुत सारे इसके अंदर जो है प्रॉब्लम है इस कानून को अगर लागू कर दिया जाता है अपराध की श्रेणी में लाए तक। सरकार अब कहती है कि सरकार का कहना है कि विवाह से जो है महिला की जो सहमति है वो समाप्त हो जाएगी, महिला की जो सहमति समाप्त हो जाएगी, और इसके उल्लंघन अगर होता है, मान लीजिए किसी के कोई क्राइम पकड़ना है कि आखिर ये क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसको भी पकड़ना जो है यानी कि इसको भी इन्वेस्टिगेट करना काफी टफ होगा। और हालांकि विवाह के भीतर जो है इस तरह का उल्लंघन जो है, ये भी सरकार कहती है, इस तरह का उल्लंघन जो है वो परिणाम विवाह के बाहर की परिमाणों से भिन्न होता है, और इसमें यह भी कहा है सरकार ने कि 354 सेक्शन 354 है, अगर देखें 354A है, 354B है, 498A है जो आईपीसी का है ये, और घरेलू हिंसा से संबंधित जो है आरक्षण 2005 वाली जो कानून है वो सभी जो है कानून बनाए गए हैं, लेकिन ऐसे उल्लंघनों के गंभीर दंडात्मक जो है परिणाम जो है, और सरकार ये भी कहती है कि अगर ऐसा जो है आपराधिक बल के द्वारा जो है अगर उपयोग किया जाता है तो इस हलफनामे में भी यही कहा गया है कि पर्याप्त रूप से पर्याप्त उपाय और नाजुक संतुलन जो है बनाकर जो है, यानी कि सरकार अगर इस पर कानून, संसद अगर कानून इस पर लाती है तो समाज को देखते हुए, समाज के अंदर स्थिति को देखते हुए इसके ऊपर जो है कानून बनाएगी, हलफनामे में यह कहा गया।
और ये भी कहा गया कि हलफनामे में ये भी कहा गया कि हमारे सामाजिक कानूनी परिवेश में वैवाहिक संस्था जो है उसकी प्रकृति को देखते हुए यदि विधायिका का यह विचार है कि वैवाहिक संस्था के संरक्षण के लिए जो है संरक्षण के लिए आपत्तिजनक अपवाद को जो है बरकरार रखा जाना चाहिए तो यह प्रस्तुत जो है वो किया जाएगा। और साथ में जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश सीबीआई चंद्रचूड़ जी हैं उन्होंने जो है अगुवाई में 3 जजों की बेंच इसमें बैठी और इसने आईपीसी की धारा 375 के तहत जो एक्सेप्शन नंबर 2 है उसको जो है इन्होंने जो संवैधानिकता को चुनौती देने वाली जो याचिका जो लगाई गई यानी जो पीआईएल दर्ज की गई उसके एक समूह पर विचार किया और जो पति को अपनी पत्नी के साथ जो है जो मैटर रेप को मुकदमा चलाने की छूट देता है और जनहित याचिका जो पीआईएल है उसके एक समूह ने कहा था कि अपवाद उन विवादित महिलाओं के खिलाफ जो है भेदभाव है जिनकी जो है पता नहीं कि देखिए अब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब पीआईएल दर्ज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के पीआईएल में बातें रखी गई है कि जैसे देखिए कहना यह सही है कि सरकार ये कहती है कि अगर मैटर रेप को अगर कानून इसको आपराधिक किया गया तो काफी ज्यादा इसके अंदर जो है चीजों को मॉनिटर करना पड़ेगा और इसके ऊपर कानून अगर बनाया जाएगा तो एकदम से नहीं बनाया जाएगा, समाज को देखते हुए बनाया जाएगा। लेकिन इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें अगर कही है या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर चीजें चल रही हैं तो इसमें चीजों को यह भी देखा जा रहा है कि अगर मान लीजिए मैरिटल रेप को जो है अगर अभी तक अपराध घोषित नहीं किया गया है तो वो ऐसी महिला हो जिनके साथ जो है इस तरह की घटनाएं हो रही हैं या जो इन तरह की जो है जो समस्याओं से गुजर रही है उनके साथ भेदभाव है। और अब देखिए अब इसके साथ अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट अब जैसे वर्तमान में चीजों मामलों को देख रही है, अब वर्तमान का जो मामला है वो दिल्ली से जुड़ा हुआ है, दिल्ली उच्च न्यायालय को के विभाजित फैसला के खिलाफ जो है अपील की सुनवाई अभी जो है ये मामला चल रहा है। अब देखिए अब उस समय दिल्ली हाईकोर्ट में क्या हुआ था, दिल्ली हाईकोर्ट में एक जज जो थे वो रेडी थे इसके पक्ष में थे और एक जज जो थे वो विपक्ष में थे, यानी कि सीधा सीधा जो है एक जज जो कि जिसमें न्यायमूर्ति राजीव सकधर थे जो प्रावधान के असंवैधानिक घोषित किया था उन्होंने इसको, और जबकि न्यायमूर्ति सी हरिशंकर जो थे इन्होंने इसको जो है बरकरार रखा था। तो अब क्या इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले पर भी रोक लगा दी थी जिसमें अपनी पत्नी पर यौन हमला करने और उसका जो है स्लेव बनाने के तौर पर जो है उस व्यक्ति के खिलाफ जो है बलात्कार का जो है आरोपी के ऊपर केस चल रहा था इसको भी जिसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मामला को जो है वो रखा था। ठीक है अब यहां पर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार ने हलफनामे दाखिल तो कर दी है और इसके बाद जो है अब इसके ऊपर जो आगे की सुनवाई होगी और केंद्र सरकार की जो जो नियम जो नए कानून जो अगर वो इसके ऊपर बनाती है तो वो जो है आगे की जो है सारी स्थितियों को देखकर जो है वो बनाएगी। तो अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि ये तो था कि पूरी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन थी आपकी कि क्या क्या जो है मामले जो है अभी हलफनामे में बताया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस पर कोई फाइनल अभी जजमेंट या कोई कानून अभी नहीं आया है, बस अभी प्रक्रिया के अंदर चल रहा है। अब चलिए ये देख लेते हैं, देखिए कुछ इश्यूज हैं मैरिटल रेप के साथ, अब मैरिटल रेप जो एक्सेप्शंस क्या हैं उसके क्या इश्यूज हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं। सबसे पहली चीज ये है कि अगेंस्ट अ बेसिक राइट ऑफ वुमेन, यानी कि जो महिलाएं हैं उनके बेसिक राइट, मान लीजिए कि वैसी महिलाएं जो घरेलू जैसे उनके हस्बैंड या उनके परिवार के अंदर जो घरेलू हिंसा को वो जो है फेस कर रही है, तो इस तरह की जो महिलाएं हैं अगर उनके साथ ये अपराध इस तरह का अपराध हो रहा है तो वो जो है अपने आप को जो है वो कानून के सामने जो है वो अपने आप को असहज महसूस करती हैं और वो अपने आप को जो है मजबूत नहीं समझती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसमें यह चीज है कि यह वायलेट करता है महिला का फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड मोस्ट ऑफ ऑल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का भी उल्लंघन है अगर जो आज अभी का जो कानून मौजूद में है। इसके साथ जो है यह ऑल्सो जो है वो डिनाई करता है ओन बॉडी ऑफ द वुमन, यानी कि महिला का जो अपना शरीर है उस वो खुद का शरीर है तो उसके अपने अधिकार है, उसके अपने पर्सनल राइट और उसके अपने जो है वो आपके लिबर्टी है, तो ये सारी चीजें यानी कि राइट टू लाइफ लिबर्टी सबका जो है वो वायलेशन हो रहा है। दूसरी चीज जो है वो जुडिशियल सिस्टम की बात की जा रही है कि ये भी एक प्रॉब्लम है जिसमें यह देखा जा रहा है कि इस तरह की क्राइम जो है वो काफी कम जो है वो रिपोर्ट की जाती है ड्यू टू जो सोशल कंडीशन और लो लीगल अवेयरनेस, यानी लोगों के बीच में जो इसका अवेयरनेस कम है, लोगों को अभी जानकारी कम है इसके बारे में, तो इसके वजह से भी ये जो है
और काफी ज्यादा कम जो है रिकॉर्ड किया जाता है ये मामला। और इसके साथ जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड भी अगर देखा जाए तो उसके अंदर भी जो है ये काफी कम है, लेकिन मामले जो है वो बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट कम होते हैं लेकिन मामले बहुत ज्यादा हैं। तो इसके ऊपर जो है ये सारे जो है तर्क जो है वो दिए गए हैं कि इस तरह के तर्क के साथ जो है इसको कानून बनाने की यानी आपराधिक जो है श्रेणी में लाने की बात मैरिटल रेप को की जा रही है। अब आते समझते बीएनएस के अंदर जो है जो भारतीय न्याय संहिता है इसके अंदर जो है जो सेक्शन हमारा 63 है, सेक्शन 63 जो है वो रेप की बात करता है। देखिए आईपीसी के अंदर जो है आपने जो है 375 देखा, लेकिन बीएनएस के अंदर जो है 300 सेक्शन 63 जो है वो बात करता है रेप से है। उसी का सब क्लॉज 2 है, सेम टू सेम बात की गई है, सेम सब क्लॉज 2 उसमें भी था, इसमें भी सब क्लॉज 2 है। अब इसके सब क्लॉज 2 में जो है यहां पे 18 साल आपको दिखेगा, ये एक अंतर है। उसमें 15 साल था, आईपीसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आईपीसी में 15 साल की लिखा हुआ है, लेकिन बीएनएस के अंदर लिखा हुआ है 18 साल। यानी कि सिंपल सा चीज है कि अगर अ मैन एंड हिज वाइफ आर नॉट कंसीडर रेप इफ द वाइफ इज एटलीस्ट 18 साल, यानी कि एटलीस्ट 18 साल की है, 18 साल से ऊपर है तो उसको रेप कंसीडर नहीं किया जाएगा, 18 साल से नीचे है तो रेप कंसीडर किया जाएगा। लेकिन आईपीसी में 15 साल से नीचे है तो रेप कंसीडर जो है वो किया जाएगा, 15 साल से ऊपर है तो नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे बस एज का डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन सेक्शन 63 में इसके बारे में बताया गया है। अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि जो मैरिटल रेप है वो दुनिया में क्या इसकी स्थिति है और दुनिया में कौन कौन से कानून जो है कौन कौन से देश ने कानून बनाया है। तो सबसे पहली चीज यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशंस ने इस मैरिटल रेप के ऊपर जो है कई बार जो है बातें बता रखी हैं, कई बार जो है वो ह्यूमन राइट्स की बात की है और इसमें यह भी बताया है कि किस तरीके से महिलाएं जो है वो घरेलू हिंसा का जो है वो शिकार हो रही है। तो उन सभी चीजों के ऊपर जो है कई बार जो है वो डेंजरस प्लेसेस बताया गया है महिलाओं के लिए। तो इसी के साथ जो है अब कौन कौन से बहुत सारे जितने देश हैं यूनाइटेड नेशंस के साथ, यूएनओ के साथ, उन कई सारे देशों ने जो है कानून इसके ऊपर बनाया। तो उसमें से कौन कौन से देश कानून बनाया, जिसमें देखिए यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड स्टेट है, उसने 1993 में जो है मैरिटल रेप को जो है क्रिमिनलाइज कर दिया गया था उसी समय, यानी कि अमेरिका में मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज है और सभी स्टेट में क्रिमिनलाइज, यानी कि 50 स्टेट में अमेरिका क्रिमिनलाइज है, बट द लॉ डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। लेकिन लॉ जो है यानी क्योंकि अमेरिका, हमारे इंडिया में क्या है कि अलग अलग स्टेट है, 28 स्टेट है, हर स्टेट में एक कानून, अलग अलग कानून है, अलग अलग जो है सरकार बनाती है, लेकिन कुछ कानून जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो उसी तरीके की बात करता है कि अमेरिका में तो कानून बना हुआ है और मैरिटल रेप को आपराधिक भी बताया गया है, लेकिन जो सभी जो जो स्टेट है वहां के उसके डिफर करता है अलग अलग, लेकिन खैर इसको श्रेणी में रखा गया। यूनाइटेड किंगडम जो है वहां पे भी मैरिटल रेप को जो है वो क्रिमिनलाइज किया हुआ है। साउथ अफ्रीका में भी जो देखिए, साउथ अफ्रीका में भी जो है इसको इलीगल घोषित किया गया 1993 से ही, 1993 से ही मैरिटल रेप को जो है साउथ कोरिया में घोषित किया हुआ है। कनाडा के अंदर भी मैरिटल रेप को जो है वो पनिशमेंट रखा गया है, यानी कि इस पर आपराधिक की श्रेणी में रखी गई है। लेकिन कौन कौन से कंट्री नहीं किया, घाना है, इंडिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, ये सब जो कंट्रियां हैं, इस तरह कंट्रियां जो है यहां पे जो है रेप को जो है जो मैरिटल रेप है इसको जो अभी क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। तो ये सारी थी जानकारी थी जो आज के वीडियो में आपको बताया हूं कि क्या क्या हलफनामे में दर्ज किया गया और क्या क्या बातें जो है मैरिटल रेप के पक्ष और विपक्ष में जो है रखी गई हैं। फिलहाल जो है मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और फाइनल जजमेंट जो भी जब भी आएगा इसके बारे में फिर से आपको जानकारी दूंगा। आशा करता हूं कि जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और अभी आप एग्जाम्स जो भी जुडिशरी अभी आने वाली एग्जाम्स की उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप राजस्थान एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं या एआईबी का एग्जाम अभी देने वाले हैं, किसी भी तरह का अगर आपको जुडिशरी से संबंधित या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो आप जो है आपको अगर कहीं इश्यू हो रही है तो आप हमारे जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस लिंक पर जाइए और उस लिंक पर एक फॉर्म दिया हुआ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको भरिए और उसको भरिएगा तो हमारी टीम जो है आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको तमाम तरह के जो गाइडेंस प्रोवाइड जो है की जाएगी हमारे टीम के द्वारा, जो कि आपके जो है जुडिशरी की प्रिपरेशन में, आपके स्ट्रेटजी बनाने में आपके लिए जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको जो ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई होगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आने वाले समय में और भी वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।